धर्माचार्यों को, राष्ट्रपति उस समय के डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन से तो पहले से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही संबंध था। जब मुलाकात के लिए गए थे वो विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे और उसमें पूछा भी क्यों, बोले नहीं जरा आंख का ऑपरेशन करने के लिए जाना है, राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। तो गुरु जी ने नम्रता के साथ कहा कि भारत के राष्ट्रपति आंख का ऑपरेशन करने के लिए उनको विदेश में जाना पड़ता है, तो हमारे देश में जो आई सर्जन से इज इट नॉट ए स्लर ऑन देम, क्या इनकी इसमें बदनामी नहीं है, वो समझ गए। उन्हें कहा भी आपकी बात तो सही है, लेकिन ऐसा हुआ तो यहाँ के सर्जन ने हमारा एक आंख का ऑपरेशन किया, वो आंख तो चला गया, तो मुझे डर हो रहा है कि दूसरी आंख ऐसा ही हालत में हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। माने संबंध अच्छे, जो बोलते थे विनम्रता के साथ बोलते थे, सौम्य शब्द में बोलते थे, लेकिन जो बोलना है वो बोलते थे, पीछे कुछ छोड़ते नहीं थे, गुड़ी गुड़ी टॉक ऐसा नहीं था। इसके कारण जो सब लोगों के साथ संबंध, और इसमें जैसे मैंने कहा कि नेतृत्व के गुणों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, इसमें दोनों देखना पड़ता है, अपने वाले क्या मूल्यांकन करते, तटस्थ लोग क्या मूल्यांकन करते, अपने साथ दुश्मनी करने वाले क्या मूल्यांकन करते, सब तरह का देखना पड़ता है, तब उसका पता चलता है। अब जैसे नेहरू जी के बारे में मैंने कहा, पहली मुलाकात, एक कुल मिलाकर तीन बार मुलाकात हुई, पहली मुलाकात हुई तो बोलते समय उन्होंने भी स्पष्ट बात की, मुंह फटके जैसे, गुरु जी ने भी मुंह फटके जैसे बात की, दोनों ने एक दूसरे को कोसा। उन्होंने कहा कि पंजाब में आपके संघ के लोग जो कर रहे, यू आर ए ब्रूट फोर्स। गुरु जी ने उनको समझाने का प्रयास किया, वो मानने के लिए तैयार थे, उन्होंने कहा आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो स्पष्टता जवाहरलाल जी ने बताई, किंतु व्यक्तिगत रूप से गुरु जी के बारे में क्या एटीट्यूड थी, समय दिया था, उस समय गुरु जी और आबाजी वगैरह पहुंच गए, किंतु कैबिनेट की मीटिंग में देर हो गई, तो समय के 5 मिनट पहले अपने सेक्रेटरी को फोन किया कि मिस्टर रमेश गोवलकर को बुलाया है, वो आ जाएंगे, मेरे ओर से उनकी क्षमा याचना करना और कहना कि जरा कैबिनेट की मीटिंग लंबी हो गई, मैं अभी आता हूं, 10 मिनट में आ जाऊंगा। आए, पहले क्षमा याचना की, बैठ गए। अब कैबिनेट मीटिंग लंबी देर तक चली, इसके कारण सिगरेट वहां पीने का तो कोई संभवनीयता नहीं थी, तो सिगरेट की भी इच्छा हुई होगी। पहले पूछा, औपचारिक ढंग से पूछा होगा, लेकिन पूछा कि मैं स्मोक, सिगरेट पीका ली। बातचीत जैसी थी वैसे गुरु जी अपने ओर से मुंहफट थे, वो अपने ओर से मुंहफट थे, किंतु जैसे बात समाप्त हुई, पहुंचाने के लिए पोर्च तक आए, कार आई, कार का दरवाजा खोला, गुरु जी को बैठने के लिए बोला, इस तरह का व्यवहार था। एक बंगाल के विद्वान, अभी नए जो अपने स्वयं सेवक आए, उन्होंने नाम सुना नहीं होगा, हेमेंद्र पंडित करके थे, उन्होंने गुरु जी को गाली देने वाली एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एंड ऑफ ए ड्रीम, और उसमें कहा था कि ये तो ऐश आराम में चलने वाले व्यक्ति है, ऐसा माने। तो वो सब लोगों के पास उसने भेजी थी, श्यामा प्रसाद जी के पास भेजी थी, जवाहरलाल जी के पास भी भेजी थी। श्यामा प्रसाद जी जवाहरलाल जी को मिलने आए तो उनके टेबल पर वो किताब थी, तो श्यामा प्रसाद जी ने कहा कि आप ये किताब पढ़ रहे हैं क्या। जवाहरलाल जी ने कहा कि नहीं, मैंने देखा लेकिन अब मैं पढ़ूंगा नहीं। तो क्यों, तो बोले मेरा गोलवलकर से मतभेद है, लेकिन ये जो लिख रहा वो ठीक नहीं है, पर्सनली मैं जानता हूं कि ही राष्ट्रीय, इसने गलत लिखा है, शरारत के कारण लिखा है, उन्होंने वो किताब पढ़ी नहीं। माने वैचारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद एक तरफ, व्यक्तिगत एक दूसरे की मर्यादा कैसी संभालते थे ये एक तरफ,